नमस्कार, मैं संदीप कसालकर, क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। क्रिप्टो करेंसी ने किया रिबाउंड, बिटकॉइन रहा $21,300 के करीब। कैथी वुड के आर्क इन्वेस्ट ने बेचे 1.4 मिलियन के कॉइन बेस्ड शेयर। फैंटम बर्न फीस के हिस्से का इस्तेमाल करके इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स को करेगा फंड। अनस्टॉपेबल डोमेन्स ने जुटाया $65 मिलियन, यूनिकॉर्न स्टेटस को किया हासिल। कॉइनबेस ने BAYC फीचर्ड मूवी के फर्स्ट पार्ट को किया रिलीज। हार्मोनी ने $100 मिलियन हैक पीड़ितों का रियम्बर्स करने के लिए रखा 1 टोकन जारी करने का प्रस्ताव। ब्लॉकचेन गेमिंग डेवलपर इम्यूटेबल ने 8% स्टाफ को निकाला। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बढ़ती इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के बीच फेडरल रिजर्व पॉलिसी मीट के नतीजे से पहले डॉलर इंडेक्स और गोल्ड कमजोर होने से बुधवार को क्रिप्टो करेंसी ने रिबाउंड किया। वहीं बिटकॉइन को $21,300 के करीब ट्रेड करते हुए देखा गया। डॉलर इंडेक्स, जो बास्केट ऑफ करेंसीज के मुकाबले ग्रीन बैक की ताकत को मापता है, उसे 0.3% नीचे जाते हुए देखा गया, जबकि यूरो को 0.5% की बढ़त के साथ $1.017 होते हुए देखा गया। US फेड वाइडली अपनी फेडरल फंड्स रेट को 0.75% पॉइंट बढ़ाकर 2.25% और 2.5% के बीच आज दिन के अंत तक करने की उम्मीद है। इन्वेस्टर्स इस साल रेट हाइक्स के फ्यूचर ट्रेजरी पर सेंट्रल बैंकर्स के किसी भी क्ल्यू के लिए देख रहे होंगे, और ये भी कि क्या फेडरल रिजर्व US इकोनॉमी को अपनी रिसेशनरी ट्रेंड से बाहर निकालने के लिए अगले साल रेट्स में कटौती करना शुरू कर देगा। US स्टॉक्स में S&P 500 फ्यूचर्स 1% से अधिक और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 0.4% मजबूत हुए। अर्ली ट्रेड्स में NASDAQ फ्यूचर्स 2% से ज्यादा ऊपर जाते हुए देखा गया। इन सब के बीच बिटकॉइन ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में नियरली 2% की बढ़त के साथ अराउंड $21,300 पर ट्रेड किया, जबकि उसी समय के दौरान इथर ने 6% की बढ़त के साथ अराउंड $1,470 पर ट्रेड किया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्टकॉइंस में भी बढ़त देखने मिली। एक्सचेंज के शेयर की कीमत जैसे जैसे गिर रही है, ठीक उसी रफ्तार से लग रहा है कि जैसे आर्क इन्वेस्ट की कैथी वुड कॉइन बेस में इंटरेस्ट खो रही है। सबसे रिसेंट ट्रेड फाइलिंग के अनुसार आर्क इन्वेस्ट ने 1.4 मिलियन से ज्यादा कॉइन बेस शेयर बेचे, जिसमें इसके फ्लैगशिप आर्क इनोवेशन ETF से 1.1 मिलियन से ज्यादा और इसके फिनटेक इनोवेशन और नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट ETF से रिमाइंडर शामिल है। ऐसे में आज क्लोजिंग प्राइस के आधार पर शेयर्स की कीमत नियरली $75 मिलियन थी। अप्रैल 2021 में एक्सचेंज के पब्लिक होने के बाद वुड कॉइनबेस की फैन थी, जिसने नियरली 4.5 मिलियन शेयर खरीदे थे। क्रिप्टो एक्सचेंज में शेयर आज 21% से ज्यादा $52.93 पर क्लोज हुए। हालांकि बुधवार को प्री मार्केट ट्रेडिंग में वे 3.5% से थोड़े ज्यादा थे। रफ मैक्रो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और बढ़ते रिसेशन की आशंकाओं के कारण आर्क इन्वेस्ट के फंड्स को भी इस साल बड़ा नुकसान हुआ है। नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट एंड फिनटेक इनोवेशन प्रोडक्ट्स के लिए रिस्पेक्टिवली 58.7% और 62.14% के नुकसान की तुलना में आर्क इनोवेशन ETF ने अपने वैल्यू ईयर का 57.74% खो दिया है। फैंटम कम्युनिटी के मेंबर्स ने एक गवर्नेंस वोट पास किया है, जिसमें फैंटम इकोसिस्टम में बिल्ट न्यू प्रोजेक्ट्स को फंड देने के लिए नेटवर्क की बर्न फीस के 1/3 का उपयोग करने का प्रस्ताव है। डाले गए सभी वोटों में से लगभग 100% प्लान के फेवर में थे। प्रस्ताव को 3 अक्टूबर तक चलने के लिए शेड्यूल किया गया था, लेकिन सपोर्ट मिनिमम 55% रिक्वायरमेंट को पार करने के बाद वोटिंग बंद कर दी गई है। फैंटम करंटली नेटवर्क फीस के रूप में पेड किए जाने वाले सभी टोकन का 30% बंद कर देता है। वोट के बाद उस 30% फी वैल्यू का 1/3 एक स्पेशल फी कॉन्ट्रैक्ट यानी SFC के जरिए आयोजित इकोसिस्टम सपोर्ट वॉल्ट में सबमिट किया जाएगा। SFC को ऑनचेन गवर्नेंस और कम्युनिटी प्रपोजल्स के जरिए फैंटम नेटवर्क वैलिडेटर्स और स्टेकर्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ऐसे में बचे हुए 2/3 ट्रांजेक्शन फीस हमेशा की तरह बंद किया जाएगा।
नॉन फंजिबल टोकन यानी NFTs के रूप में डिजिटल आइडेंटिटी मार्कर्स का निर्माण करने वाली फर्म अनस्टॉपेबल डोमेन्स ने घोषणा की है कि उसने सीरीज ए फंडिंग में $65 मिलियन जुटाए हैं। पेंटेरा कैपिटल ने मेफील्ड गेंजल्स, अल्केमी वेंचर्स, रेड बर्ड वेंचर्स, स्पार्टन ग्रुप, OKG इन्वेस्टमेंट्स, पॉलीगॉन, कॉइन DCX, कॉइन गेको और अन्य से एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के साथ फंडिंग राउंड को लीड किया है। अनस्टॉपेबल डोमेन्स, जिसका अब $1 बिलियन का वैल्यूएशन है, उसका इरादा एप्लीकेशंस के बीच क्रिप्टो पेमेंट्स के फ्रिक्शन को कम करने और यूजर की रेपुटेशन के आधार पर क्रिप्टो इकोसिस्टम के भीतर एक लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए फंड का इस्तेमाल करना है। फंडिंग का यह नया राउंड अनस्टॉपेबल डोमेन्स को अपने प्रोडक्ट के निर्माण के लिए 3 साल से ज्यादा का रनवे देता है। कॉइनबेस ने 26 जुलाई को अपने बोर्ड एप यॉट क्लब यानी BAYC फीचर्ड मूवी का फर्स्ट पार्ट रिलीज किया है। फिल्म को द डेजन ट्रायोलॉजी कहा जा रहा है। ऐसे में कॉइनबेस ने ट्विटर पर रन द चैन टाइटल से फिल्म का फर्स्ट पार्ट शेयर किया है। ट्विटर पर शेयर किया गया रन द चैन ट्रेलर 5 मिनट की फिल्म है, जिसमें कई BAYC NFTs के साथ साथ एप कॉइन, एक इथेरियम बेस्ड क्रिप्टो करेंसी शामिल है जो BAYC इकोसिस्टम के गवर्नेंस और यूटिलिटी टोकन के रूप में सर्व करती है। कॉइनबेस ने कहा कि जो लोग चाहते हैं कि उनके BAYC NFT फिल्म के सेकंड और थर्ड सेक्शंस में दिखाई दे, उन्हें एक्सचेंज के NFT मार्केटप्लेस पर रजिस्टर करना होगा। हार्मनी प्रोटोकॉल ने वन सप्लाई को बढ़ाकर हाल ही में $100 मिलियन हॉरिजॉन ब्रीच एक्सप्लॉइट के विक्टिम्स को मुआवजा देने के लिए एक रीइंबर्समेंट प्लान का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में फर्स्ट ऑप्शन 4.97 बिलियन वन टोकन्स जारी करके 100% रिफंड का सुझाव देता है। यह हर एक टोकन के लिए $0.20 के करंट मार्केट प्राइस पर सभी प्रभावित यूजर्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए काफी है। जबकि सेकंड ऑप्शन 69 मिलियन वन टोकन्स की मिंटिंग करके सिर्फ पार्शियल रीइंबर्समेंट का सुझाव देता है, जो टोकन की मौजूदा कीमत पर विक्टिम के टोटल लॉसेस का लगभग आधा कवर करेगा। दोनों चॉइसेस का सुझाव है कि वन की सप्लाई को बहुत तेजी से बढ़ाने से रोकने के लिए धीरे धीरे 3 साल में नए टोकन की मिंटिंग की जानी चाहिए। हालांकि कई कम्युनिटी के मेंबर्स ने टीम के टेक इट और लीव इट अप्रोच के साथ मुद्दा उठाते हुए प्रस्ताव को पीछे कर दिया है। प्रपोजल्स पर कम्युनिटी वोटिंग 1 अगस्त से हार्मनी के गवर्नेंस फोरम पर शुरू होगी और 15 अगस्त को बंद हो जाएगी। गॉड्स अनचेन के वेब 3 गेम डेवलपर इम्यूटेबल ने इस हफ्ते की शुरुआत में क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में गिरावट के बीच अपने कर्मचारियों में नियरली 8% की कटौती की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया स्थित गेमिंग स्टूडियो ने अपनी प्रमुख रणनीति ऑनलाइन कार्ड गेम गॉड्स अनचेन पर फोकस रिस्ट्रक्चरिंग में 20 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया है। बर्खास्त कर्मचारी NFT कार्ड गेम और टैलेंट एक्विजिशन टीम के साथ काम कर रहे थे। हालांकि इम्यूटेबल ने एक पब्लिकेशन को बताया कि रीस्ट्रक्चरिंग के बावजूद ये उस पेस से बढ़ना जारी रखेगा जो अगले 5 महीनों में 360 कर्मचारियों के टारगेट तक पहुंचने के लिए ट्रैक पर है। इस महीने की शुरुआत में NFT मार्केटप्लेस OpenSea ने अपने अराउंड 20% कर्मचारियों को निकाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।